तथागत बुद्ध कैसे व्यक्ति को निर्वाण में ले जाए जाने को कहते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं, हंस सूर्य पथ में जाते हैं, रिद्धि प्राप्त लोगी लोग आकाश मार्ग से जाते हैं, किंतु विवेकवान पुरुष सेना सहित मार्ग को जीतकर इस संसार से आदरपूर्वक निर्वाण में ले जाए जाते हैं। सुकर्मी जीव सूर्य मार्ग से पृथ्वी को जाते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त योगी लोग अपनी सिद्धि बल से आकाश में गमन करते हैं। विवेकी पुरुष सेना सहित मार्ग को मोहदल को जीतकर संसार से निर्वाण को ले जाए जाते हैं। यह धारणा थी कि पुण्य कर्म करने वाले शरीर छोड़कर सूर्य पथ से स्वर्ग में जाते हैं। इस धारणा का संकेत इस गाथा के प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरी धारणा योगियों के लिए है कि वे अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से सूक्ष्म रूप धारण कर आकाश मार्ग से गमन करते हैं। वस्तुतः न कहीं स्वर्ग है और न कोई सिद्धि है कि उसके बल पर अपने शरीर को छोटा बड़ा बना लें और आकाश में उड़ने लगे। यह केवल अंधविश्वास है। पुण्य कर्मों के फल में जीवों को इस देह तथा अगले जन्म में सुख मिलता है और पाप कर्मों के फल में आज और आगे दुख मिलता है। योग सिद्धि का सच्चा अर्थ है मन और इंद्रियों पर विजय हो जाना, पूर्ण आत्म शांति मिल जाना। वैसे स्वर्ग रिद्धि सिद्धि मानने वाले भी यह मानते हैं कि स्वर्ग और सिद्धि पाने वाले संसार में भटकते रहते हैं। इस गाथा की दूसरी पंक्ति में धीर पुरुष विवेकमान पुरुष के लिए निर्देश है कि वे मार को काम मोह को उसकी पूरी सेना क्रोध लोभ राग द्वेष आदि के सहित जीत लेते हैं। इसलिए वे इस दुख में संसार से मानो बड़े आदर के साथ ले जाए जाते हैं। कहाँ ले जाए जाते हैं? निर्वाण में। इस कथन में अलंकार है। खास बात यह है कि स्वर्ग और सिद्धि पाने वाले इसी संसार में भटकते रहते हैं, किंतु सारा मोह त्याग देने वाला अक्षय शांति रूप निर्वाण पाता है। इस गाथा में निर्वाण या उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, किंतु संकेत उसी के लिए है। नमो बुद्धाय।